बाद ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की करने जा रहे हैं, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स को जरूर कहना चाहेंगे जो फैब इनटेक के लिए अप्लाई तो करना चाह रहे हैं लेकिन सही ऑप्शंस अभी तक आपको पता नहीं चल पा रही है, कोई कंफ्यूजन आपके मन में है या फिर आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो आज कई नई बातें आपको फैब इनटेक के बारे में बताएंगे, स्टूडेंट्स किन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि टाइमली अभी भी आपको फैब इनटेक में अच्छी ऑप्शंस और सीट्स आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी में मिल सके। तो इस पूरी वीडियो में आप जुड़े रहिए ताकि हर एक खास पॉइंट आपको पता चल सके। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा पर पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हैं नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम आज जैसे हम ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात तो कर रहे हैं लेकिन अगर फैब इनटेक पर फोकस करें तो मैं जरूर आज ये बात करना चाहूंगी अभी जितना समय बाकी है इसमें कितनी अच्छी ऑप्शंस अभी भी स्टूडेंट्स को मिल सकती हैं, कैसी कैसी कौन सी यूनिवर्सिटीज में अभी भी सीट्स स्टूडेंट्स को मिल सकती है और कौन से स्टूडेंट्स को आप कहेंगे देरी ना करें, क्योंकि जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, अच्छी प्रोफाइल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, देरी करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि ऑप्शंस जाएंगी, सीट्स भी उनके हाथ से जाएंगी। देखो हरजोत, जो 23 पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है अप्लाई करने का, एंड जो ग्रेजुएशन कर रखी है जिन बच्चों ने उनके लिए, मास्टर्स के लिए आपको पता ही है कि आजकल यूनिवर्सिटियों ने कर दिया है, पहले 5 साल लेते थे, अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ 3 ईयर्स का स्टडी गैप लेती हैं। अब स्टडी गैप का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, मीन्स यू आर वर्किंग, या तो आपका बिजनेस है उसके प्रूफ दो, या आप किसी के लिए काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए तो उसका आप अपने सारे जॉब के प्रूफ दो। अब हमारे पास फैब इनटेक है और हम नवंबर मिड में बैठे हैं जी। तो आपके पास अभी टाइम है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, जीटी और सारा काम करने में 1 से 1.5 महीना लगता है और फिर सीओई आती है और आप फाइल लगाते हैं और वीज़ा डिसीजन इस टाइम बहुत जल्दी आ रहे हैं, विद इन 15 डेज। तो अगर हम सारा टाइम कैलकुलेट करें तो हम बिल्कुल सही टाइम पे इस टाइम है। आप ये मत समझिए लेट है थोड़ा सा, लेकिन इतना लेट नहीं है कि आप अप्लाई ना कर पाएँ, इसलिए आप इमीडिएट अभी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ रिक्वायरमेंट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनके आइल्स रिक्वायरमेंट या पीटी या टोफल रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 के इक्वलेंट होनी चाहिए। इक्वलेंसी आप चार्ट में देख सकते हैं टोफल की वेबसाइट पे, पीटी की वेबसाइट पे, क्योंकि 3 टेस्ट तो ये एक्सेप्टेड हैं। ड्यूलिंगो होम एडिशन बंद हो चुका है जो कि पहले चल रहा था जी। अब आपकी जो परसेंटेज है यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी प्रॉब्लम ये है कि जीटीई पे बच्चा जो है मार खा जाता है और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं छोटी छोटी जगह से, छोटे छोटे एजेंट्स को उन्होंने फाइल पकड़ा दी, आगे उन्होंने कहीं आगे पास की और उनकी जीटी क्लियर नहीं हुई 1-1 साल से। तो बेटर है आप खुद अप्रोच करिए, डायरेक्ट आइए, यहाँ कोई सब एजेंट वाला बात नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा इन बिटवीन। नेचुरल आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सफ़र है, लेकिन टेक्नोलॉजी का टाइम है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन पे बात करिए और आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, आपकी एनरोलमेंट हो जाती है, आपके ऑफर लेटर आ गए, जीटी के डॉक्यूमेंट्स, हमारा स्टाफ आपको गाइड करता है और ये टोटल प्रोसेस होता है। अब जैसे मैंने आइल्स का बताया, ऐसे ही एकेडमिक, इसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 या सेक्शन 1 2 3 यूनिवर्सिटियाँ हमारी, उन्होंने कैटेगराइज़ की हैं। कुछ यूनिवर्सिटियाँ हमारी जो है सेक्शन वन में है उसकी थोड़ी कम परसेंटेज, मान लीजिए 55% है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सेक्शन 2 3 की है वो 60-65% लेंगे, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। अब अगर प्लस टू वाला स्टूडेंट है तो वो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड को ही इस टाइम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड को बहुत कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो, तो इस टाइम बिल्कुल ही नहीं ले रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। अब बहुत सारी इंक्वायरी आती हैं उनका आर्ट्स का सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और आइल्स में एक में 5.5 बैंड है और उन्होंने स्टेट बोर्ड से किया है, तो प्लीज़ बिग नो दिस टाइम, क्योंकि अभी हालात बड़े अच्छे नहीं हैं। सीबीएसई स्टूडेंट
आपके 65% ओवरऑल मेन सब्जेक्ट्स में, और कुछ यूनिवर्सिटियाँ 60%, लेकिन नॉट ओवरऑल मेन सब्जेक्ट्स में, मतलब चार मेन सब्जेक्ट अगर हैं उन चार में आपके 60% मिनिमम होने चाहिए या 65 होने चाहिए. मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, दीज आर मोस्ट वेलकम. IELTS 6 बैंड ईच हम मांग रहे हैं प्लस टू वाले स्टूडेंट से, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों से 6.5 मांग रहे हैं. अब कौन सा कोर्स लें, सबसे बड़ा चैलेंज हर बच्चे को ये है कि मैं कोर्स कौन सा लूँ. कोर्स आप हमेशा पहले बड़े अच्छे से खुद सर्च करिए कौन सा कोर्स आपके लिए, हम गाइड करेंगे. मैं हमेशा आपको ये जो अब टाइम चल रहा है वो बड़ा ही एक जिसको कहना है चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जिसमें आप बहुत फास्ट आपको आगे जाना है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप IT से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, आपका ये, फिर आपका बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है. आपका जॉब बहुत अच्छी मिलती है, जॉब मिलेंगी तो आपके सेटलमेंट तो खुद ही है. आप देखिए इतने अच्छे कोर्सेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने, कि एक बच्चे को आराम से 100-150,000 डॉलर तक की जॉब मिलती है. लेकिन डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर कि आपने क्या किया है. अगर आप यहाँ से फाइल अप्लाई कर रहे हैं 2-3 महीने का, अगर आपको टाइम सारा टोटल प्रोसेस में लग रहा है, तो आप एक छोटा मोटा 2-3 महीने का यहाँ कोर्स कर लो. आप जैसे IELTS करते हो, IELTS के 6 बैंड के लिए आप 2-3 महीने की क्लासे लगा रहे हो, 1 महीने की क्लास लगा रहे हो, वाई नॉट कि आप 2-3 महीने का कोई IT का कोर्स कर लो. कोई टेक्नोलॉजी के कोर्स में जा रहे हो तो उससे रिलेटेड छोटा सा टेक्निकल कोर्स कर लो, तो वहाँ जाके आपको जॉब के चैलेंजेस नहीं आते. आपके सेटलमेंट के लिए सबसे अच्छा यही तरीका होता है. बिल्कुल बिल्कुल सही है, और ये बातें एक माहिर कंसल्टेंट ही आपको समझा सकता है. और मैम का 26-27 सालों का जो एक्सपीरियंस है, इसमें मैम ने कई तरह की प्रोफाइल्स पर काम किया है और कई तरह का रिसर्च वर्क तो लगातार मैम की तरफ से किया ही जाता है, ताकि हर तरह की प्रोफाइल को अच्छी अच्छी ऑप्शन दी जाए, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है सेटल कर सके. और आपको बता दें कि नेविगेटर्स ओवरसीज़ की तरफ से 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा को लेकर सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है. सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो कि जानना चाहते हैं कई और अच्छी ऑप्शंस के बारे में, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ज़रूर इस सेमिनार का आप हिस्सा बने, अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आएँ, ताकि आप ऑन द स्पॉट अच्छी चीज़ों को समझते हुए आगे अपना प्रोसेस शुरू कर सकें. जो यूरोप के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, 8 दिसंबर को यूरोप के लिए भी सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया गया है नेविगेटर्स ओवरसीज़ की तरफ से, और ज़रूर आप इन सेमिनार्स का फ़ायदा लें और अच्छी ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ें. और लगातार नंबर डिस्प्ले है, इस पर कॉल करके भी और जानकारी जरूर ले सकते हैं. बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने एक बार फिर से स्टूडेंट्स को हर बार की तरह अवेयर किया है, कई अच्छी बातें समझाई हैं, ताकि स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान बना रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझते हुए ही आगे बढ़े. तो और कोई सवाल है स्टूडेंट्स का तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर सकते हैं. आगे भी आप सभी के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आते रहेंगे. फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच. थैंक यू.